सो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में जो वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला जाने वाला है उसके बारे में। और ये वाला मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा 5 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे। तो आज हम इस वीडियो में इस मैच से रिलेटेड सब चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि इस मैच में किस किस प्लेयर को हमको स्मॉल लीग में लेना है, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, कौन सा प्लेयर ट्रंप प्लेयर रहेगा मेगा ग्रैंड लीग में, और इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन किसको बनाना है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। और इस मैच में, इस वीडियो में आप फ्री में 1 लाख जीत सकते हो और मात्र 10 रुपये में iPhone 15 जीतने का आपके पास मौका है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सब कुछ आपको नॉलेज मिलने वाला है इस वीडियो में। और ऐसा प्रिडिक्शन ना पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूं इस बात का, क्योंकि आज से ना इस चैनल पर ऐसा ऐसा कंटेंट आने वाला है ना जिसको देख करके ना आपका दिमाग हिल जाएगा। ऐसा कंटेंट आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना और इस वर्ल्ड कप में इतना विनिंग करेंगे ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो ये वाला मैच आपका इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होने वाला है, वर्ल्ड कप का पहला मैच है जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं टेलीग्राम चैनल के बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो आप सबसे बड़ा गलती कर रहे हो। आपको सिंपली करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, ये आपका टाइटल है। इस टाइटल के यहीं पर आपको एक मोर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर आपको ज्वाइन टेलीग्राम चैनल का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करना है। लिंक पर डायरेक्ट आप इस टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे, इसमें आपको यहां पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है। और यहां पर ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहां पर मैं आपको हर एक मैच का 100% फ्री में टीम देता हूं, चाहे वो स्मॉल लीग का टीम हो या ग्रैंड लीग का टीम हो। और इस मैच का भी फाइनल टीम टॉस के बाद यहीं पर मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपका कॉमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। ये जो मैच है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, तो इस स्टेडियम का पिच रिपोर्ट आखिर होता क्या है वो आपको समझना है, और पिच रिपोर्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पिच पर टोटल अभी तक 28 ओडीआई मैच खेला गया है। कितना? 28 ओडीआई मैच खेला गया है, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाले ने कितना जीता है, 16 मैच को विन किया है, और फर्स्ट बॉलिंग करने वाली टीम 12 मैच को विन किया है। आप इजी से देख लो, तो यहां पर ज्यादातर क्या होता है, जो टीम फर्स्ट में बैटिंग करती है ना उसका जीतने का चांस ज्यादा होता है, समझ में आ चुका है। उसके बाद अगर हम विकेट का बात करें तो इस पिच पर फास्टर बॉलर ने अभी तक 79 विकेट यानी लगभग 80 विकेट लिया है, और स्पिनर बॉलर भी कम नहीं है, 61 विकेट है। तो कहीं ना कहीं बराबर है, लेकिन कहीं ना कहीं फास्टर बॉलर को विकेट यहां पर ज्यादा मिलता है, स्पिनर को भी मिलता है। जो क्वालिटी स्पिनर बॉलर होता है ना वो इस पिच पर विकेट निकाल लेगा, लेकिन फास्टर बॉलर को ज्यादा विकेट मिलता है। आप इजी से देख लो, यानी 20 विकेट का अंतर है दोनों फास्टर और स्पिनर में, समझ में आ चुका है। अब देखो, अगर हम एवरेज स्कोर का बात करें तो फर्स्ट इनिंग में 249 रहता है और सेकेंड इनिंग में 215, यानी यहाँ पर चेसिंग करना थोड़ा दिक्कत होता है। तो जो टीम फर्स्ट में बैटिंग करेगा ना उसका जीतने का चांस कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, और जो टीम टॉस जीतेगी वो कहीं ना कहीं फर्स्ट में बैटिंग करने का ही निर्णय लेगा, क्योंकि इस पिच पर बॉलर्स को कहीं ना कहीं ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और फास्टर बॉलर को सपोर्ट मिलता है। तो इसी चीज़ को देख करके हमको टीम बनाना है। और एवरेज स्कोर आप इजी से देख लो, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। तो ये आपका होता है पिच रिपोर्ट, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हम बात करते हैं इंग्लैंड का प्लेइंग 11 जो इस मैच में रहने वाला है। तो इंग्लैंड का अगर प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो जॉनी बेयरस्टो और आपका डेविड मलान ओपनिंग करेगा। उसके बाद आपका वन डाउन जोए रूट आने वाला है, बेन स्टॉक्स, जोस बटलर, लियाम लिविंगस्टन, सैम करन,
क्रिस वॉक्स, रेसे टॉपले, उसके बाद आपका मार्क वुड और आदिल राशिद, ये प्लेइंग 11 इंग्लैंड का रहने वाला है इस मैच में। अगर इसमें कोई भी चेंजिंग होगा ना तो एक से दो प्लेयर का ही चेंजिंग होने वाला है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सेम टू सेम यही प्लेइंग 11 इंग्लैंड इस मैच में लेकर उतरने वाली है। तो सेम टू सेम यही प्लेइंग 11 रहने वाला है। अब इसमें लेना कब किसको है, कौन सा प्लेयर इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग में, किसको ग्रैंड लीग में लेना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। टेंशन मत लो, सिर्फ वीडियो को बिंदास एक जगह बैठ करके ध्यान से देखो, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा और जो मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करके टीम बनाओगे ना तो आप एक तरफा विनिंग करोगे। तो ये इंग्लैंड का प्लेइंग 11 है। अगर हम बात करें जॉनी बेयरस्टो का, तो जॉनी बेयरस्टो का देखोगे ना तो रिसेंट फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, 0-13, 0-6, 28-63, 0-38, बट हेड टू हेड में देखो 46 का एवरेज है, समझ में आ चुका है, यानी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जॉनी बेयरस्टो अच्छा खासा खेलता है और पूरा ओडीआई में देखोगे ना तो 46 का एवरेज है। तो कहीं ना कहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्लेयर बन जाता है स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी कर सकते हो। अगर बात करें डेविड मलान का, तो ये बंदा काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करता है। यहां पर देखो इसका रिसेंट फॉर्म 0-127, 96, 0-11, 114, ऑलरेडी लगभग 3 सेंचुरी मार करके आ रहा है और हेड टू हेड में तो गर्दा गोल परफॉर्मेंस करता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, 92 का एवरेज रखता है, सोच लो। उसके बाद वेन्यू पर एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन ओडीआई में 22 मैच में 1046 रन है और 61 का एवरेज है। तो ये मस्ट पिक बनता है आपका स्मॉल लीग में और कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी सबसे बेस्ट कंटेंडर है। अगर बात करें जोए रूट का, तो इसका रिसेंट फॉर्म उतना खास नहीं है और हेड टू हेड मात्र इसका 32 का एवरेज है। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उतना अच्छा खासा नहीं खेल पाता है, वेन्यू पर कोई भी मैच नहीं खेला है, ओडीआई में 52 का एवरेज है, तो उतना कोई खास प्लेयर नहीं है, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग का मस्ट पिक बनेगा आपके लिए। तो जोए रूट को आप जीएल में ट्राई करना काफी बेस्ट रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेन स्टॉक्स का, तो ये प्लेयर काफी तगड़ा है, रिसेंट फॉर्म भी काफी सही है, 11 मैच में 519 रन है, 63 का एवरेज है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और ओडीआई में देखो 51 का एवरेज है, वेन्यू पर एक भी मैच नहीं खेला है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर बनता है, कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी बेस्ट कंटेंडर है। तो बेन स्टॉक्स को मैं लेकर के चलूंगा और आपको भी लेकर के चलना है। बात करें जोस बटलर का, तो रिसेंट फॉर्म उतना सही नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है। अगर बात करें हेड टू हेड का, तो ये बंदा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा खेलता है और 50 का एवरेज है। तो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अच्छा खेलता है और पूरे ओडीआई में 46 का एवरेज है। तो जोस बटलर आपके लिए मस्ट पिक बनता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में और कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी बेस्ट कंटेंडर है। अगर बात करें लियाम लिविंगस्टन का, तो रिसेंट फॉर्म काफी तगड़ा है, 28-11, 95-52, 38 विकेट भी अच्छा खासा ले रहा है। अब बात करें हेड टू हेड का, तो 4 मैच खेला है, 186 रन मारा है और 62 का एवरेज है, 62 का एवरेज हेड टू हेड में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट और साथ ही साथ 4 विकेट भी लिया है, तो आपके लिए मस्ट पिक बनता है स्मॉल लीग में। क्लियर, समझ में आ चुका है। अगर अगला प्लेयर के बारे में बात करें, तो सैम करन का परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है, अभी रिसेंट फॉर्म भी उतना सही नहीं है और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उतना सही नहीं खेलता है, मात्र 3 मैच में 63 रन का पारी खेला है और 2 विकेट लिया है और 21 का एवरेज है, तो इसको आप ड्रॉप करके चल सकते हो और मैं खुद इस मैच में सैम करन को ड्रॉप करके चलने वाला हूं, समझ में आ चुका है। बात करें क्रिस वॉक्स का, तो रिसेंट फॉर्म इसका भी उतना सही नहीं है, बैटिंग शो तो उतना कोई परफॉर्मेंस कर नहीं रहा है, बॉलिंग से बात करें तो 3 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट उतना भी सही नहीं है, लेकिन एक तरह से देखोगे तो सही है, 9 मैच में आपका 20 विकेट है, 9 मैच में 20 विकेट काफी तगड़ा है, यानी बॉलिंग से ये बंदा आपको परफॉर्मेंस करके दे सकता है। अगर क्रिस वॉक्स को लेना चाहो तो बॉलिंग के लिए लेना, बैटिंग से उतना भरोसा मत करना, बैटिंग से आपको उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके नहीं देगा, लेकिन हाँ बॉलिंग से आपको तगड़ा परफॉर्मेंस करके देगा, क्योंकि हेड टू हेड में 9 मैच में 20 विकेट काफी ज्यादा होता है, तो आपके लिए मस्ट पिक बनता है क्रिस वॉक्स। अगर बात करें रेसे टॉपले का, तो रिसेंट फॉर्म उतना सही नहीं है,
ठीक है, अभी वाले मैच में 3 विकेट लेकर के आ रहा है। तो हेड टू हेड का बात करें तो हेड टू हेड में उतना सही नहीं है, 4 मैच में मात्र 5 विकेट है। तो इसको स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, जीएल का बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये बंदा कभी भी परफॉर्मेंस कर देता है, कभी भी 2 से 3 विकेट या 4 विकेट निकाल लेगा। तो जीएल में ट्राई करना काफी बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए, समझ में आ चुका है। अगला प्लेयर बात करें तो ये आपका मार्क वुड है। तो मार्क वुड देखो यहां पर रिसेंट फॉर्म उतना सही नहीं है, लेकिन 52 मैच में 69 विकेट है ओडीआई में, लेकिन हेड टू हेड में मात्र 6 मैच में 8 विकेट है, मात्र 8 विकेट। तो आप चाहो तो इसको ड्रॉप करके भी चल सकते हो, लेकिन मैं इस मैच में इसको ड्रॉप करूंगा। आप चाहो तो ड्रॉप भी कर सकते हो या फिर ले सकते हो, चूंकि लगभग लोग मार्क वुड को अपने टीम में जगह देगा, तो आप रिस्क लेने के लिए मेगा जीएल में इसको ड्रॉप कर सकते हो। आदिल राशिद का बात करें तो काफी तगड़ा प्लेयर है मेगा जीएल के, देखो परफॉर्मेंस काफी सही है, 101 मैच में 167 विकेट, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है। हेड टू हेड में 9 मैच में 11 विकेट। तो आदिल राशिद आपके लिए ट्रंप प्लेयर रहेगा जीएल में, तो इसको नोट करके चलना, और मैं इसको इस मैच में ले करके चलूंगा अपने टीम में, क्योंकि भाई तगड़ा परफॉर्मेंस करता है, ओडीआई में भी तगड़ा परफॉर्मेंस करता है, और हेड टू हेड तो बात ही मत करो। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं स्पोर्ट्स बाजी के बारे में। अगर आप फैंटेसी खेलते हो और अगर आपको स्पोर्ट्स बाजी के बारे में पता नहीं है ना, तो आप फैंटेसी में बहुत पीछे हो, क्योंकि स्पोर्ट्स बाजी आपका जीएसटी खुद पे करेगा। तो सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में दिया गया है, और लॉग इन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AKJohn, आप इजी से देख लो, इसको आपको यूज करना है ताकि आपका जीएसटी स्पोर्ट्स बाजी पे करे। इतना ही नहीं, इसमें आपको इस वर्ल्ड कप में पूरे 30 लाख का गारंटेड इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड मिलेगा। और इस वर्ल्ड कप में जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे ना इस एप्लीकेशन में, जितना आप फैंटेसी खेलोगे उसके अकॉर्डिंग आपके रैंक को डिसाइड किया जाएगा। और अगर आप रैंक 1 में आओगे ना तो आपको 5 लाख का कैश प्राइज मिलेगा, आप इजी से देख सकते हो। तो जितना जल्दी हो सके डाउनलोड कर लो और जितना खेलना है उतना खेलना शुरू कर दो, आपको दोनों तरफ से बेनिफिट होगा। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना, और इसमें आपको देख सकते हो इस मैच में मात्र 0 रुपया लगा करके 1 लाख विनिंग कर सकते हो, यानी फ्री में आप 1 लाख विनिंग कर सकते हो इस मैच में स्पोर्ट्स बाजी पर। उसके बाद मात्र 39 रुपये में आपको यहां पर 5 लाख का मेगा लीग मिलता है, बहुत कम कंपटीशन के साथ। तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो और 10 रुपये लगा करके इसमें आईफोन 15 विन कर सकते हो। तो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि इस मैच में आपके पास आईफोन 15 जीतने का मौका है, मात्र आपको 10 रुपये लगाना है और आईफोन 15 जीत सकते हो। तो जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और लॉग इन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AKJohn, इसको यूज करना, तभी आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा और बल्लेबाजी आपका जीएसटी खुद पे करेगा। अब बात करते हैं यहां पर न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 के बारे में। अगर हम न्यूजीलैंड का पॉसिबल प्लेइंग 11 देखें जो इस मैच में रहने वाला है, तो डिवॉन कॉनवे और विल यंग ओपनिंग करेगा, केन विलियमसन 1 डाउन आने वाला है, टॉम लेथम, ड्रेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर, लॉकी फर्गुसन, ट्रेंट बोल्ट, टीम सऊदी, आई सऊदी। अब इसमें देखो चेंजिंग क्या हो सकता है, हो सकता है इस मैच में टीम सऊदी ना खेले, हो सकता है इस मैच में टीम सऊदी ना खेले, उसके जगह पर मैट हेनरी खेले, लेकिन अभी तक मुझे पता है कि टीम सऊदी खेलेगा इस मैच में, लगता है। लेकिन अगर नहीं खेलेगा ना तो मैं आपको फाइनल अपडेट टॉस के बाद टेलीग्राम में दे दूंगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। तो न्यूजीलैंड का यही प्लेइंग 11 रहने वाला है इस मैच में, आप इजी से देख लो। अब एक एक करके हम सभी प्लेयर के बारे में बात करते हैं, किसको कब लेना है, यहीं से आपको पता चलेगा, क्योंकि मैं बोल दूंगा उसको ले लो तो आप नहीं ले पाओगे। यहां पर आपको क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा कि मैं अगर डिवॉन कॉनवे को अपने टीम में ले रहा हूं तो किस रीजन से ले रहा हूं, ये आपको पता चलेगा, तभी आपको लेने में मजा आएगा। अब देखो डिवॉन कॉनवे का देखोगे ना तो रिसेंट फॉर्म काफी तगड़ा है, ऑलरेडी 2 सेंचुरी लगा करके आ रहा है, और देखोगे ना तो हेड टू हेड में 47 का एवरेज है और ओडीआई में 43 का एवरेज है, तो आपके लिए मस्ट पिक बनता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में। अगर बात करें विल यंग का तो इसका परफॉर्मेंस उतना भी सही नहीं है, आप इजी से देख सकते हो, और हेड टू हेड में तो 24 का एवरेज है, मात्र 24 का एवरेज। तो स्मॉल लीग में इसको ड्रॉप करके चल सकते हो, जीएल के लिए मस्ट पिक रहेगा आपका विल यंग, तो ग्रैंड लीग में इसको ट्राई कर सकते हो। अगर बात करें केन विलियमसन का तो रिसेंट फॉर्म
काफी सही है, आप इजी से देख लो, हमेशा हाफ सेंचुरी आपको लगा करके आ रहा है, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस किया है, और हेड टू हेड में तो 54 का एवरेज है और ओडीआई में तो 48 का एवरेज है, तो आपके लिए मस्ट पिक बनता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में। अगर बात करें हम टॉम लैथम का, तो परफॉर्मेंस उतना सही नहीं है, हेड टू हेड में मात्र 32 का एवरेज है और ओडीआई में 36 का एवरेज है, तो उतना भी सही परफॉर्मेंस नहीं है, तो मैं स्मॉल लीग में नहीं लेने वाला हूं, बट आप इसको जीएल में ट्राई कर सकते हो टॉम लैथम को। अगर बात करें ड्रेल मिचेल का, तो परफॉर्मेंस देख लो काफी तगड़ा है इजी से, और हेड टू हेड में तो 63 का एवरेज है, तो आपके लिए तगड़ा प्लेयर बन जाता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में, और कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट कंटेंडर भी है। अगर बात करें ग्लेन फिलिप्स का, तो रिसेंट फॉर्म उतना भी सही नहीं है और हेड टू हेड में तो मात्र 33 का एवरेज है, तो मैं इसको स्मॉल लीग में नहीं लूंगा, और ओडीआई में तो इसका 28 का एवरेज है, तो स्मॉल लीग से आप भी नहीं लेना, मैं बोलूंगा इसको जीएल में ट्राई करना, क्योंकि ये बंदा कभी भी परफॉर्मेंस कर सकता है। रिस्क लेना है तो ग्लेन फिलिप्स को आप ले सकते हो। अगर बात करें मिचेल सेंटनर का, तो मिचेल सेंटनर का देखोगे तो रिसेंट फॉर्म उतना सही नहीं है, है ना। उसके बाद देखो यहां पर ध्यान से देखना, हेड टू हेड में मात्र 9 मैच में मात्र 6 विकेट, तो उतना भी सही नहीं है, 9 मैच में 6 विकेट कोई भी ले लेगा तो उतना भी सही नहीं है। आप चाहो तो इसको जीएल में ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा इसको स्मॉल लीग में लेकर के चलो, क्योंकि पिच भी स्पिनर को उतना सपोर्ट नहीं करेगा। अगर बात करें लॉकी फर्गुसन का, तो ये बंदा काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है इस मैच में, रिसेंट फॉर्म, एक ही विकेट लेगा लेकिन लगातार लेता है, और हेड टू हेड में तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 मैच में 6 विकेट है, तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आपको दे सकता है, और 58 मैच में 90 विकेट है, तो आपके लिए स्मॉल लीग का सबसे बेस्ट ऑप्शन बनता है लॉकी फर्गुसन। उसके बाद अगर बात करें ट्रेंट बोल्ट का, तो ये बंदा अच्छा खासा आपको विकेट लेता दिखेगा इस मैच में, डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा और आपका पावर प्ले में भी बॉलिंग करेगा, तो रिसेंट फॉर्म देख लो काफी तगड़ा है, ठीक है, और 76 मैच में 160 विकेट डबल, और हेड टू हेड में तो 10 मैच में 24 विकेट, तो आपके लिए मस्ट पिक बनता है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में, और कैप्टन और वाइस कैप्टन का भी बेस्ट कंटेंडर रहेगा अगर न्यूजीलैंड फर्स्ट में बॉलिंग करेगा। तो दो प्लेयर और बच जाता है आपका टीम सावधी, टीम सावधी इस मैच में खेल भी सकता है और नहीं भी खेल सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अभी तक जो न्यूज आया है उसमें बोला गया है कि टीम सावधी खेलेगा, अगर नहीं खेलेगा तो उसके जगह पर मैट हेनरी खेलेगा, मैं बता दूंगा किसको लेना है। रिसेंट फॉर्म काफी सही है, 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट, 59 मैच में 85 विकेट और हेड टू हेड में 10 मैच में 11 विकेट, तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन जाता है टीम सावधी, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि इस मैच में खेलेगा या नहीं खेलेगा, अगर खेलता है तो लेना है या नहीं मैं आपको बता दूंगा। बात करें आई सऊदी का, तो रिसेंट फॉर्म उतना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ 6 विकेट ले लेता है तो मेंटेन हो जाता है। देखो 45 मैच में भाई यहां पर आपको 59 विकेट दिखेगा, तो ओडीआई में उतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं है, विकेट तो लिया है, लेकिन अगर बात करें हेड टू हेड का, तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 4 मैच में 10 विकेट, सोच लो, तो ये आपके लिए मस्ट पिक बनता है इस मैच में, तो मैं इसको लेकर के चलूंगा, चाहे वो स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो, आप भी लेकर के चल सकते हो, काफी तगड़ा परफॉर्मेंस करके आपको देगा आई सऊदी। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों टीम का प्लेइंग 11 दिखा दिया और दोनों टीम का सभी प्लेयर का मैंने आपको स्टेट्स बता दिया है, कब किसको लेना है, अगर उसको लेना है किसी प्लेयर को तो क्यों लेना है, सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं फिर से स्पोर्ट्स बाजी के बारे में, इसमें आपको स्टेट्स फैंटेसी का एक बेहतरीन फीचर मिल जाता है। अब इसमें सिंपली होता क्या है, जो मैंने आपको अभी यहां पर स्टेट्स दिखाया ना सभी प्लेयर का, तो इसी चीज को यूज करके इसमें स्टेट्स फैंटेसी खेल सकते हो। जैसे कि इसमें पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इंग्लैंड इस मैच को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जीतेगा, अगर आपको लगता है इंग्लैंड इस मैच को जीतेगा तो प्ले नाउ पर क्लिक करके ट्रू पर क्लिक करके अपना एंट्री लगा देना है, और अगर आपको लगता है इंग्लैंड नहीं जीतेगा न्यूजीलैंड जीतेगा तो आपको प्ले नाउ पर क्लिक करके फॉल्स पर क्लिक कर देना है, अपना एंट्री लगा देना है, और इससे आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो मैच देखते देखते। तो जल्दी से जल्दी स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और लॉग इन करते समय मेरा जो रेफर कोड है
एके जॉन, इसको यूज करना, आपको बेहतरीन से बेहतरीन ऑफर मिलेगा। अब यहां पर आता है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिक्स प्लेयर और की प्लेयर। यानी इस मैच में फिक्स प्लेयर कौन रहेगा और की प्लेयर कौन रहेगा, जिसको आपको इस मैच में अपने टीम में लेना ही पड़ेगा। चाहे आप स्मॉल लीग खेलो या ग्रैंड लीग खेलो, आपके टीम में ये सभी प्लेयर होना चाहिए। तो पहला आपका डेविड मलान, जोस बटलर, बेन स्टॉक्स, लियाम लिविंगस्टन, केन विलियमसन, ड्रेल मिचेल, ट्रेंट बोल्ट और डिवोन कॉनवी। यहां पर टोटल आपका कितना है, 8 ऐसा प्लेयर मैंने आपको बताया है जो आपके टीम में होना ही चाहिए। तो इसको ले करके चलना आपके टीम में, चाहे आप स्मॉल लीग खेलो या ग्रैंड लीग खेलो। समझ में चुका है? तो ये 8 आपका फिक्स प्लेयर है और की प्लेयर है। अब यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रंप प्लेयर के बारे में, जो मेगा जीएल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस मैच में आप मेगा ग्रैंड लीग विनिंग करना चाहते हो तो ये प्लेयर आपको विनिंग करवा सकता है। पहला आपका आदिल राशिद, जॉनी बेरेस्टो, लॉकी फर्गुसन, आई सऊडी, जो रूट, क्रिस वॉक्स और विल यंग। ये ऐसा प्लेयर है ना जो इस मैच में तगड़ा परफॉर्मेंस कर सकता है, लेकिन फिर भी लोग इस मैच में इन सभी प्लेयर को इग्नोर करेगा। और इसका रीजन मैंने आपको पीछे समझा दिया है, सभी प्लेयर को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो ये आपका टोटल 7 ऐसा प्लेयर है ना जो इस मैच में ट्रंप प्लेयर रहेगा मेगा ग्रैंड लीग में। अगर मेगा ग्रैंड लीग का टीम बनाते हो तो आपके टीम में ये 7 में से कम 4 प्लेयर होना चाहिए एक टीम में। समझ में आ चुका है? आगे हम बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन का सबसे बेस्ट कंटेंडर। समझ में आ चुका है इस मैच में किसको आपको कैप्टन बनाना है, किसको वाइस कैप्टन बनाना है, स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग। तो अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो ना तो जोस बटलर, बेन स्टॉक्स, केन विलियमसन, डिवॉन कॉनवे और डेविड मलान, ये 5 ऐसा प्लेयर है जिसको आप इस मैच में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अब यहां पर देखना, डेविड मलान का ना रिकॉर्ड काफी सही है, हेड टू हेड में भी काफी तगड़ा परफॉर्मेंस है, 63 का एवरेज है और ये बंदा काफी सही खेलेगा। लेकिन लोग क्या करेगा, इसको बहुत कम लोग कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाएगा। तो आप मेगा जीएल में इसको कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। एक आपका डेविड मलान, आदिल राशिद, ड्रेल मिचेल और लियाम लिविंगस्टन। तो ये आपका 4 ऐसा प्लेयर है ना जिसको आप मेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो ये टॉप 4 आपके लिए सबसे बेस्ट सी एंड बी सी रहेगा, जोस बटलर, बेन स्टॉक्स, केन विलियमसन और डिवॉन कॉनवे। लेकिन अगर आप मेगा जीएल खेलते हो तो डेविड मलान, आदिल राशिद, ड्रेल मिचेल और लियाम लिविंगस्टन आपके लिए सबसे बेस्ट सी एंड बी सी रहेगा मेगा जीएल में। तो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं मेरा जो फाइनल टीम है इस मैच में कौन सा टीम में ले करके चलूंगा। तो ये मेरा फाइनल टीम है जो मैंने स्पोर्ट्स बाजी पर बनाया है और मैं खेलता हूं स्पोर्ट्स बाजी पर। आप भी खेलना शुरू कर दो क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम है, कमीशन भी बहुत कम लिया जाता है और जीएसटी भी नहीं देना पड़ेगा। तो मेरा टीम देख सकते हो, विकेट कीपर वाले सेक्शन में जोस बटलर है और डिवॉन कॉनवे है, बैट्समैन वाले सेक्शन में केन विलियमसन, ड्रेल मिचेल, बेन स्टॉक्स, डेविड मलान है और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में लियाम लिविंगस्टन, बॉलर वाले सेक्शन में मैंने ट्रेंट बोल्ट को लिया है, आई सऊडी को लिया है, लॉकी फर्गुसन को लिया है और आदिल राशिद को लिया है। कैप्टन मैंने डेविड मलान को बनाया है, वाइस कैप्टन मैंने बेन स्टॉक्स को बनाया है। आप इजी से देख लो, ये मेरा फाइनल टीम नहीं है, इसमें कुछ मैं चेंजिंग करूंगा। जो भी चेंजिंग होगा टॉस के बाद आपको टेलीग्राम में पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। समझ में आ चुका है? तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा डिटेल में प्रिडिक्शन दे दिया है, कब किसको लेना है, स्मॉल लीग के लिए कौन बेस्ट है, ग्रैंड लीग के लिए कौन बेस्ट है, ट्रंप प्लेयर कौन रहेगा, फिक्स प्लेयर कौन रहेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन का बेस्ट कंटेंडर कौन रहेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में, सब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना, चूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लेना और हाँ स्पोर्ट्स बाजी को डाउनलोड कर लेना और
लॉगिन करते समय मेरा जो रेफर कोड है AK जॉन कैपिटल लेटर में उसको यूज करना और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टॉस के बाद फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।